बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, ये वाला हमने इसके इम्पोर्टेंट लॉजिक्स और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को हमने देखना है इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले एक बेसिक सी जनरल सी डेफिनेशन ईसीजी की। तो ईसीजी क्या है? ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है अल्जेब्रिक सम की हार्ट के इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स की। ठीक है, हार्ट की जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है डिफरेंट जो इसके अंदर कॉन्टेक्टाइल या फिर जो आप इलेक्ट्रिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी वजह से जो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल टेंशन पोटेंशियल बनते हैं उनकी जो आप सम अप करके जो एक ग्राफ के ऊपर प्लॉटिंग करते हैं वो आपके पास ईसीजी बन जाती है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हैं तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के अंदर थोड़ी सी ऊपर नीचे भी हो सकते हैं वो, तो उसकी वजह से जो हार्ट के अंदर डिसऑर्डर होते हैं वो एरिदमियाज होते हैं। एरिदमियाज क्या हैं? एरिदमियाज आर नथिंग बट दे आर द डिस्टर्बेंस इन द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अगर हार्ट की ज़्यादा हो गई या कम हो गई जिसकी वजह से हार्ट के ऊपर प्रोफाउंड चेंजेस आते हैं और ये बहुत डेंजरस भी हो सकते हैं क्योंकि हार्ट एक वाइटल ऑर्गन है आपके पास। ठीक है जी, फिर हमने दो स्ट्रक्चर देखने हैं जो कि एक ए वी नोड है और एक एस ए नोड है। ए वी नोड के बारे में आपको जनरल कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए कि ये एक सिंगल मायोकार्डियल टिशू है जिसकी कंट्रैक्शन स्लो है। ठीक है, ये स्लो कंट्रैक्शन कराता है, ये इसके जो सेल होते हैं वो भी छोटे होते हैं और उनके अंदर गैप जंक्शन भी इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, जबकि एसए नोड है ये बहुत रैपिड प्रोडक्शन कराता है आपके पास बल्स की, स्पॉन्टेनियस जनरेशन कराता है। अच्छा, हार्ट के अंदर जो हार्ट की जो मिडियल वाल होती है, मीडियम जो इसकी होती है ना, मिडिल वाली वाल, वो होती है मायोकार्डियम। ठीक है, मायोकार्डियम के अंदर दो तरह की आपके पास मायोकार्डियम जो है ना वो भी दो तरह की, एक स्पेशलाइज्ड है और एक कॉन्ट्रैक्टाइल है। जो स्पेशलाइज है ना उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी नहीं है, लेकिन दरअसल कॉन्ट्रैक्शन जनरेट वही कराती है क्योंकि उसके अंदर ऑटोमेटिसिटी हो सकती है। उसके अंदर तीन चीज़ें हमारे पास आती हैं आपके पास जो देखने को मिलती हैं। हार्ट के टोटल 5 कंपोनेंट आपने देख लेने हैं कि टोटल 5 कंपोनेंट है, उसमें से 3 स्पेशलाइज हैं, 2 कॉन्ट्रैक्टाइल हैं। अच्छा, स्पेशलाइज के अंदर एक एस ए नोड है आपके पास, एक ए वी नोड है और परकंजी फाइबर है। परकंजी फाइबर एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रिकल जो है ना कॉन्ट्रैक्टाइल अपरेटस बना देते हैं जो कि पूरे सेल के अंदर फैला होता है। और कॉन्ट्रैक्टाइल अगर पोर्शन की तरफ जाएं तो जो हमारे मेजर मायोकार्डियम का पोर्शन है वो कॉन्ट्रैक्टाइल ही है, जिसके अंदर आर्टेरियल और वेंट्रिकुलर आपके पास मायोकार्डियम आ जाती है। यहाँ से सिग्नल आएंगे तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर जाना है और हार्ट के अंदर इंपॉर्टेंट जो है ना वो उसके सिस्टली और डायस्टली के जो पीरियड होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि इनका कॉन्ट्रैक्टाइल होना। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट साइड के ऊपर एक टिप लिखी है, एक तो डायग्राम बनी है, डायग्राम के अंदर आपके पास यहाँ पर आपको एस ए नोड नज़र आ रही है और रफ सी बनाई है डायग्राम, यहाँ पर आपको ए वी नोड है और उसके बाद यहाँ पर परकंजी फाइबर का एक परकंजी नेटवर्क आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, जो कार्डिक सेल हो सकते हैं इनके पास गैप जंक्शन हो सकते हैं, आपके पास गैप जंक्शन होते हैं और यहाँ पे एक फ्लूड होता है जो कि फैसिलिटेट करेगा जो डिफरेंट कार्डिक फाइबर्स हैं या कार्डिक सेल हैं उनके दरमियान में पैसेज वे ऑफ करंट को इंपॉर्टेंटली ये रोल एक इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं जो गैप जंक्शन है, ताकि एक सेल से दूसरे सेल तक जो करंट है वो जब जनरेट हो जाए तो वो एक सेल से दूसरे सेल तक चला जाए। तो इस तरह होल जो एक कार्डिक मसल है वो इलेक्ट्रिकल सेंसिटियम बन जाता है आपके पास। ठीक है जी, अच्छा अब हमने देखना है कि जो जेनेसिस किस तरह होती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। चूँकि कार्डिक सेल भी जो है हमने पढ़ा था, जो मसल सेल होते हैं उनके पास एक होती है एबिलिटी के वो जो है ना वो एक्साइटेबल सेल होते हैं उनके पास। ठीक है, तो नॉर्मली जो उनके ऊपर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो किस तरह जनरेट होता है, क्यों जनरेट होता है, तो तीन फैक्टर हमेशा हमने याद रखने होते हैं। तीन ही इंपॉर्टेंट जो है वो दो ही हैं कि लीकी चैनल्स और सोडियम पोटेशियम पंप। अच्छा, जो सोडियम पोटेशियम पंप है ना ये एक स्पेसिफिक तरह का प्रोटीन है, यानी कि ये आपके पास न्यूक्लियस थी, न्यूक्लियस में डीएनए था, डीएनए का एक स्पेसिफिक पोर्शन जब ट्रांसलेट होता है तो मैसेंजर आरएनए जब उसका जाता है, तो जो ये सोडियम पोटेशियम पंप है ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि ये सिर्फ 3 सोडियम को बाहर निकालता है और 2 पोटेशियम को अंदर ले जाता है। अब देखने के लिए ये कोई सिग्निफिकेंट काम नहीं कर रहा कि सिर्फ एक ही पॉजिटिव चार्ज को नेट मूवमेंट उसकी बाहर कराता है, लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम पता है क्या है कि ये एक डिस्टर्बेंस बना देता है आपके पास। ठीक है, ये एक थोड़ा सा ग्रेडियंट बना देता है, बस ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस पैदा कर देता है। ये स्टार्टिंग या इनिशियल जो चिंगारी है ना ये वो लगा देता है कि ग्रेडियंट इस्टेब्लिश कर देगा, जिसकी वजह से बाद में जो मूवमेंट होगी वो होने लग जाएगी। अब यहाँ पे ये क्या करता है, ये पॉजिटिविटी बाहर ज़्यादा करता जाता है और नेगेटिविटी अंदर ज़्यादा करता जाता है। क्यों? क्योंकि हर अपने जो पंपिंग एक्शन है उसके साथ एक पॉजिटिव आयन को बाहर निकाली जा रहा है।